डिस्कसिंग द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हम यहां कर लेते हैं मेहुल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने 6 करेक्टर्स डिस्कस कर लिए थे वैसे पीरियड्स के, हम फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑफ द करैक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स। ठीक है, कौन कौन से करे थे, करैक्टरिस्टिक्स कौन से थे? पहला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकेंड वैलेंसी, थर्ड साइज ऑफ एटम एंड फोर्थ मेटालिक करेक्टर। केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, केमिकल रिएक्टिविटी नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है जी, दी 6 करेक्टर्स वी हैव टू डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस इन केस ऑफ द पीरियड्स। नाउ वी विल टेक द 2 ग्रुप्स। अब इस केस में ग्रुप्स में वी विल टेक 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स लेंगे, वन इज मेटल वन इज नॉन मेटल। मेटल के केस में यू विल टेक एंड नॉन मेटल्स में वी विल टेक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। आप 3-3 भी लिख सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, सिर्फ आपको पता हो, क्योंकि सम टाइम द क्वेश्चन कैन कम कि पोटेशियम के नीचे कौन सा है, तो यू कैन राइट डाउन द सिंबल। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये सारे ग्रुप्स कराए हैं। ठीक है, चारों ग्रुप्स में से कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि फ्रेंशियम किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द 4 ग्रुप्स नेम्स। बट व्हेन वी हैव टू डिस्कस द करैक्टरिस्टिक, आप 3-3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 11 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 8 1 2 8 8 1, इतने लिख लो आप। ठीक है, यहाँ पे 2 7 2 8 7 2 8 18 7। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लगेगा कि हाउ वी विल लर्न दिस थिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ करे थे, 2 एलिमेंट्स में, पोटाशियम एंड कैल्शियम, उनके थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करे, बाकी सब में जो फार्मूला है 2n स्क्वेयर के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में 18 आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसी केस में आपको रहता है, ओके, हाँ 19 और 20 में 8 है ना, बाकी आपके सारे फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 2n स्क्वेयर के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में 18। ठीक है जी, 35 होता है इसका एटॉमिक। अब हमारे पास है, दिस इज मेटल एल्कली मेटल, दिस इज नॉन मेटल, दैट इज हेलोजन। ठीक है, अब पहला करैक्टर है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या करना है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू विल जस्ट राइट डाउन, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। पहला करैक्टर लिखो बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के फिर लिखो, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। इनकी बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, नाउ द सेकेंड करेक्टर दैट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द रूल वी आर सीइंग इन हियर इन द ग्रुप? इट रिमेन्स द
same. It is having plus one, it is having minus one. That means valency remains same. What is the name of this family? Alkali. Name of that family? Halogens. Alkali, halogens. ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं हम. ठीक है जी, दो करेक्टर्स ओके है. अब जो थर्ड करेक्टर है ना, प्लीज उसको ध्यान से समझना. जो सबसे मेन करेक्टर आपको कंफ्यूज करता है, इसमें वैसे आपको मुश्किल नहीं आएगी. साइज ऑफ एटम, ये देखो लिथियम में है 2, 1. ठीक है, सोडियम के केस में 2, 8, 1. हर बार क्या हो रहा है, द डिस्टेंस यहां से यहां का क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है. क्यों, मतलब अब इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, इंक्रीज. क्यों, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स, उसकी फैमिली बढ़ रही है. साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है इन केस ऑफ पीरियड्स. क्यों, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सॉरी एड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल. यहां पे इंक्रीज इन द शेल, यहां शेल बढ़ रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल रेडियस जो है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. Size of atom goes on increasing. Is it clear, bete? In this case, on moving from top to bottom, size of atom goes on increasing. Reason kya hai? Due to increase in number of shells. Due to increased number of shells. हर बार एक शेल बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो उसका साइज है दैट विल आल्सो इंक्रीज. ओके, समझ आ गई. अब ये देखो नेक्स्ट करेक्टर. मेटैलिक करैक्टर, ये ध्यान से समझते हैं. मेटैलिक करैक्टर इसके और इसके केस में रीजन वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. दोनों के करैक्टर में चेंज है. करैक्टर में चेंज क्या है, मेटैलिक करैक्टर क्या होता है, मेटैलिक करैक्टर क्या होता है, लूज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सिंपल है. अगर मुझे सपोज फर्स्ट बेंच पे बैठा कोई है ना, आई वॉन्ट टू स्लैप या आई वॉन्ट टू होल्ड अ हैंड, तो आई कैन इजिली होल्ड रादर देन जो फोर्थ शेल पे बैठा, फोर्थ बेंच पे है. ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे, डिस्टेंस इंक्रीज. तो होल्ड जो है मेरा कहाँ पे है, नियर बाय, जो फर्स्ट बेंच पे है दैट इज माई होल्ड इज देयर. जो दूर है उस पे क्या हो रहा है, मेरा होल्ड कम हो रहा है. ठीक है, सेम दोनों के केसेस में है. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 है, यहां अगर 1 है, अब ये 2 यहाँ 8 और यहाँ 1, तो डिस्टेंस क्या हो गया यहां से यहां का इंक्रीज. होल्ड ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, लेस, इजीली इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. मेटैलिक करैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप. जब हम नीचे आ रहे हैं हर बार, ये देखो पहले 2 घर, 3, 4, यहां 5, 6, 7. ठीक है, इजीली इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस टू द वैलेंस शेल. इस केस में उल्टा होता है. ठीक है, सेम लॉजिक. मेरे हाथ में कोई चीज है, मैंने इसको पहले दूंगी, फोर्थ बेंच तक मैं बाद में जाऊंगी. इफ आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग मैं पहले इससे शुरू करूंगी. इन द सेम केस यहां पर क्या है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बिल्कुल पास है,
यहाँ पे थोड़ा दूर, यहाँ और दूर, अगेन धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. या वी कैन टेक ए वन अनदर एग्जाम्पल. सपोज अगर घर में वी आर हैविंग द टू थ्री ब्रदर्स हैं, है ना, सपोज माय कह लो आपके ताया जी एंड ऑल दैट, इफ वी आर लिविंग, तो जो ग्रैंडफादर जिसके साथ है, है ना, यहाँ हम अपनी बात ही करें. इफ आई एम हैविंग द थ्री किड्स, तो एक कहीं और रह रहा है, दूसरा कहीं और रह रहा है, एक मेरे पास है, ठीक है. तो वट इज द बेसिक थिंग, लाइक वट आई विल डू, आई विल ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट इज लिविंग विद मी, रादर देन वहां तक जाऊंगी वहां पे भी, बट वट एक्चुअली वी डिड आफ्टर दैट, जितना जितना दूर जाते जाएंगे उतना थोड़ा कम होता जाएगा, है ना. सेम वे यहाँ छोड़ा भी जाएगा, रीजन वही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. यहाँ भी रीजन वही है, डिस्टेंस बढ़ने से कम हो गया, तो मेरे को किसकी पहले फिक्र होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी. तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऐसे है, यहाँ मतलब सॉरी मेटेलिक करेक्टर ऐसे है, नॉन मेटेलिक करेक्टर ऐसे. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है. पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? डाउन में मेटेलिक इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस, ठीक है, तो वो इंक्रीज होगा, वो जल्दी निकल जाएगा. इन दिस केस मेटेलिक करेक्टर जो है या नॉन मेटेलिक करेक्टर, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वो पहले इसको कंप्लीट करेगा, फिर इसकी फिक्र, फिर इसकी फिक्र, फिर इसकी फिक्र. रीजन वही है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, बट यहाँ इट इंक्रीजेस एंड इट डिक्रीजेस. पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको भी? ठीक है. सो राइट डाउन, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ मेटल्स, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग. मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग. नॉन मेटेलिक का लिखो. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में नॉन मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. नॉन मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. समझ आ गया? नेक्स्ट करेक्टर लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी. नेक्स्ट करेक्टर क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स वेन इट लूज और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम या टू फॉर्म अ कंपाउंड, उसी को हम केमिकल बोलते. सेम रूल है दोनों के केस में. यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि वो जितना दूर हो गया एज द डिस्टेंस इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड इजिली फॉर्म अ कंपाउंड. सेम रूल, सेम चीज, जैसे वो नीचे आता गया डिस्टेंस इंक्रीज, इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड इजिली फॉर्म द कंपाउंड. सो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप इन केस ऑफ मेटल. इन केस ऑफ अ मेटल अगेन केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वो पहले इसको कंप्लीट करेगा, इसके घर को पहले करेगा, फिर इस पे, फिर इस पे. सेम दोनों का केस, जो मेटेलिक में करा आपने, सेम इन दिस. लिखो, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन मेटल्स, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, एज इट कैन लूज या इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इजिली. एंड नॉन मेटल्स में अगेन द सेम,
It goes on chemical reactivity decreases in case of non-metals. ठीक है, लॉजिक समझ आ गया. ठीक है जी, क्लियर है. मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर समझ आ गया. रूल दोनों में सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि कंप्लीशन ऑफ द शेल, तो वो उस चीज को ध्यान में रखना. एनी डाउट टू एनीवन? देन लास्ट भी लिख लो, नेचर ऑफ ऑक्साइड. ये तो बताने की खैर जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है. अब वट इज द नेचर ऑफ दीज वन, दीज आर द मेटल्स. तो ये क्या है? PMO करा तो था, BMO बेसिक इन नेचर मेटेलिक ऑक्साइड्स. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो सारे बेसिक हैं. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, इन केस ऑफ द मेटल्स दीज आर बेसिक इन नेचर, इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स दीज आर एसिडिक इन नेचर. क्लियर? This is all about the different characteristics of the periods as well as the groups. ठीक है जी, any doubts?